हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, रमजान मुबारक हो। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आलू ब्रेड का फिंगर्स, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है और बहुत ही हेल्दी है। आप इस रमजान इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए कितना क्रंची बना है, ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए कितना क्रंची बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही यमी टेस्टी बना है ये। ये देखिए, आप इस तरह से इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी। आप इसे घर पे ही बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी नई नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। ब्रेड फिंगर्स बनाने के लिए ये मैंने लिया हुआ है ब्रेड। आपको जितनी भी ब्रेड फिंगर्स बनानी उतनी ब्रेड लीजिए। ये मैंने ली है 2 पोटी प्याज, और ये मैंने ली है 4 हरी मिर्च, 1 गाजर, 4 कली लहसुन की, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और ये मैंने 2 शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने 8 आलू लिए जिसे मैंने बॉईल करके छील लिया है। अब ये मैंने चॉपर लिए, इसमें सारे वेजिटेबल्स मैं चॉप करूँगी। ये देखिए, मैंने सारे वेजिटेबल्स चॉप कर लिए हैं। ये मैंने हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है, धनिया की पत्ती को भी चॉप कर लिया है, और ये मैंने आलू को भी मैश कर लिया है अच्छे से। और ये मैंने तड़का के लिए 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई लिया है। ये देखिए, मैंने इसमें 1 चम्मच राई का तेल ऐड किया है। इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे पहले, और अब मैं इसमें राई ऐड करूँगी। जैसे ही ये चटकेगी, मैं इसमें जीरा भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए, अब ये इसमें अच्छे से चटक जाए जीरा, और अब मैं इसमें गाजर और प्याज ऐड करूँगी। हमें इसे गुलाबी नहीं करना है, सिर्फ इसे सॉफ्ट होने देना है। और ये मैंने हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है, और इसे अच्छे से हम चलाएंगे बराबर। इसे हमें बराबर चलाना होगा ताकि ये जले ना और एकदम सॉफ्ट हो जाए प्याज और गाजर। इसे हमें 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। प्याज और गाजर को एकदम स्लो गैस का रखिएगा, आप तेज मत रखिएगा। और अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूंगी। और ये देखिए, हरी मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसे हम हल्का सा सॉटे करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं सारे वेजिटेबल्स। अगर हम इसे ज़्यादा पका लेंगे तो जो इसका टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। आपको इसे सिर्फ सॉफ्ट करना है। और ये मैंने अदरक लहसुन को अच्छे से कूट लिया था खल में, और इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे भूनूंगी जब तक कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ना चली जाए। इसे हमें बराबर चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। और अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, और इसे हम चलाएंगे ताकि जो हल्दी है वो भी अच्छे से पक जाए, कच्चापन न रहे हल्दी का। इसे अब बराबर चलाते रहिएगा। ये देखिए, जो सब्जियां हैं ये सॉफ्ट हो गई हैं। और अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक आप इसमें स्वाद अनुसार ही ऐड करिए। और ये मैंने लिया है जीरा और काली मिर्च का पाउडर। और अब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी 1 चम्मच। और अब मैं इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करूंगी। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप आधा नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च ऐड करी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च नहीं भी डालेंगे तो भी पे चलेगा। ये देखिए, अब मैं इसे एकदम गैस का फ्लेम स्लो कर दी हूँ, और इसे भूनूंगी एकदम स्लो में ताकि जो मसाले हैं वो भी न जले और भुन भी जाए। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। इसे हम बराबर चलाएंगे ताकि ये नीचे से लगे ना, क्योंकि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है।
ये देखिए मसाला जो है अच्छे से भुन गया है, और अब मैं ये आलू जो मैश किया हुआ था इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड करूंगी। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। जो इसका बैटर है तैयार हो गया है, और अब हम इसे पूरी तरीके से पहले ठंडा करेंगे। ये देखिए, ये मैंने ब्रेड लिया हुआ था, इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी। इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। देखिए, ब्रेड को मैं अब हल्का सा रोस्ट करूँगी, जिससे अच्छे से रोस्ट हो जाए। इससे ब्रेड क्रम्स एकदम परफेक्ट तैयार होंगे, आपको बाज़ार से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप तुरंत भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से हम इसे मीडियम आँच पर फ्राई करेंगे, सेकेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम ये साइड का जो हिस्सा है इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, बीच से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह सारी ब्रेड को हम कट करके रख लेंगे। 4 से 5 चम्मच मैदा लिया है। अब मैं इसमें हल्का नमक ऐड करूंगी। ये देखिए, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसका एक घोल तैयार करेंगे। ये देखिए, पहले आप इसमें पानी कम डालिएगा ताकि इसमें लम्स ना हो। इसको पहले अच्छे से मिक्स करिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रह जाएं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसका घोल तैयार करेंगे। ये देखिए, और ये मैंने लिया है, इसे मैंने तैयार कर लिया। ये मैंने लिया है सॉस, और ये मैंने ब्रेड क्रम्स जो बनाए थे ये है, और ये मैंने ब्रेड को अच्छे से टुकड़ों में कट कर लिया है। टमाटर सॉस लगा के रख लिया है, और अब मैं एक साइड ब्रेड में ये जो मैंने फिलिंग तैयार की थी आलू की, इसे हम बराबर से इसमें ये देखिए इस तरह से मैंने फिलिंग लगा ली। ये इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे ब्रेड को तैयार कर लेंगे। ब्रेड के जो स्लाइस हैं अच्छे से तैयार कर लिए हैं, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं इसे इसमें डिप कर लूँगी मैदे में। ये देखिए, ये देखिए, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, गैस का फ्लेम एकदम हाई होना चाहिए, वरना जो ब्रेड है वो तेल को सोख लेगा। और आप थोड़ा देर के लिए इसे छोड़ दीजिएगा, छूइएगा मत। तेल जो है जो तेज होना चाहिए, अच्छा हीट होना चाहिए ये तेल, वरना जो ब्रेड होता है, आप कभी भी ब्रेड का चीज़ बनाइए तो जो तेल होता है वो एकदम गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो जो ब्रेड है वो तेल को सोख लेता है।
ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है, ये देखिए फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हम ये देखिए सारे ब्रेड को तल लेंगे। ये देखिए मैंने मैदा को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हम ब्रेड क्रम्स को आप इस रमजान फ्रेंड्स इसे जरूर ट्राई करें। अगर कोई गेस्ट आते हैं आपके घर में या बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो भी पे आप इसको इस तरह से रेडी करके फ्रिज में आप रख सकते हैं। सुबह और शाम को आप इसे गर्मा गर्म फ्राई करके दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टिफिन के लिए बना रहे हैं तो आप रात में ही इसकी तैयारी करके रख दें और आप इसे सुबह लंच बॉक्स में बच्चों को दे दें। ये देखिए गैस का फ्लेम एकदम हाई होना चाहिए वरना जो ब्रेड है वो तेल को सोख लेगा। और आप थोड़ा देर के लिए इसे छोड़ दीजिएगा, छूइएगा मत। ये देखिए सारे ब्रेड को तल लेंगे। देखिए ये बन के तैयार हो गया है ब्रेड, टू ब्रेड का फिंगर्स। ये देखिए फ्रेंड्स रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को मेरे लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें।